इससे बढ़िया तो कोई सरकार नहीं थी, अभी तक इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं थी। आप शिक्षा को लेकर देखेंगे, सरकार हम लोगों ने देखा लेकिन इस सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं थी। सब चीज हर सुविधा है, पहले तो गुंडे ही नहीं है, जन जन तक स्वतंत्र है यार। ये गरीब निरीह लोगों की सरकार है, आप ऐसे मान लीजिए बाकी सरकारें होती थी गुंडा राज होता था, तमाम दिक्कतें थी। आज इस सरकार में एक गरीब तबके का व्यक्ति जो सबसे लास्ट पायदान पर रहता है वो भी सुखी और अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारे जनपद में आज तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, इस सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया। हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, शिक्षा का स्तर बहुत ख़त्म था, पूरा कायाकल्प करके पूरे विद्यालय में जो ड्रेस पहले आता था, आपका ड्रेस देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल का स्तर सुधरा है, बच्चों की संख्या बढ़ी है, शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है, मातृत्व योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो डायरेक्ट जनता को मिल रही हैं, पहले ये नहीं मिल पाती थी। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहता है यूपी। अखिलेश यादव कुछ भी कह सकते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको कहना है वो कुछ भी कह सकते हैं। एक मैं प्रमाण दे दूं आपको, यही बनारस रामनगर का पुल है, मुलायम सिंह यादव उसका उद्घाटन किए थे, वो कहते हैं कि हमारे काम का उद्घाटन कर रहे हैं योगी जी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बनारस मुगल यहाँ पे रामनगर का पुल देख रहे हैं जो ब्रिज बना हुआ है, मुलायम सिंह ने उसका उद्घाटन किया, 5 साल सरकार रही, उसके बाद 5 साल बसपा की सरकार रही, फिर दोबारा जब तिवारा योगी जी की सरकार 15 साल बाद ही तो उस पुल का उद्घाटन हुआ है। इससे बड़ा प्रमाण मैं कुछ नहीं दे सकता। बनारस में चारों तरफ रिंग रोड बन गई है, उसका वो अखिलेश कह देंगे कि हमने बनवाया है, पूर्वांचल हमने बनवाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का इन्होंने काम करवाया था सर्वे, इन्होंने घोषणा केवल शिलापट्ट लगाने का काम इन्होंने किया है, कहीं जमीन पे कोई काम इन्होंने नहीं किया है सिवाय गुंडागर्दी और गुंडा राज के। तो गंगा एक्सप्रेस भी कह रहे हैं जिसका मोदी जी ने शिलान्यास किया गया कल परसों, कि मायावती ने सोचा था उसको। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि मुलायम सिंह को हमने पैदा इसलिए करवाया था कि हमको पैदा करें, वो ये भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो बौखला गए हैं, योगी जी और मोदी जी की लोकप्रियता से वो बहुत घबराए हुए हैं, इस वजह से वो बौखलाहट में कुछ भी कह सकते हैं। बोलेंगे कोरोना को अच्छे से नहीं संभाला योगी जी ने, हम आएंगे तो हर परिवार को 25-25 हजार। कोरोना में भाजपा के अलावा और कोई था ही नहीं, प्रियंका गांधी अखिलेश यादव कहाँ थे? हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब कोरोना हुआ, जब पहले तो कहे कोरोना का वैक्सीन भाजपा का मैं नहीं लगवाऊंगा, लेकिन जब कोरोना हुआ तो वेंटिलेटर पे गए और भाजपा का वैक्सीन भी लगवाए। अरे वो लगवाए हैं, और लगवाने के बाद उनसे कहा गया कि आप जो है मुलायम सिंह को भी लगवाए, मुलायम को लगवाए हैं वो। और भाजपा ही पूरे कोरोना काल में 2 साल भाजपा के ही कार्यकर्ता घर घर तक जाके किसके यहाँ राशन है, किसके यहाँ पानी नहीं है, सबकी व्यवस्था अगर किसी ने किया तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है, बाकी ये लोग घर में कहाँ गायब हो गए थे पता ही नहीं था। तो मोहन भागवत मुलायम सिंह यादव के साथ आ रहे हैं, उनकी फोटो देखी होगी। मोहन भागवत हमारे विषय नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं या हम उत्तर प्रदेश की जनता हैं। मोहन भागवत राष्ट्रीय हित में काम कर रहे, तिरंगा यात्रा चली है, कभी आजादी 70 साल तक कभी किया इन्होंने? ये लोग तो कहते हैं कि मोहन भागवत आतंकवादी हैं, वो ये लोग तो ये भी कह देते हैं कि वो आतंकवादी हैं, और जो आतंकवादी है जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके समर्थन में ये लोग रहते हैं। किसकी बात करें, हम राहुल की बात करें, किनकी बात करें? राहुल जब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उसके बाद कहते हैं हिंदुत्ववादी सरकार है। अगर हिंदुत्ववादी सरकार है, आज आपको हमने मजबूर कर दिया, वो कहते हैं मोदी जी अकेले गंगा जी में नहाते हैं, वो अकेले जनेऊ पहन के कोर्ट पे घूमते हैं, पूरे भारत में आपको कोई दिखता है राहुल के अलावा जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहा हो? वो केवल चुनाव में उनको हिंदुत्व याद आता है, बाकी समय वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनके साथ रहते हैं। जो सेना हमारी बॉर्डर पर मर रही है, जिसके बदौलत हम यहाँ आराम से आपसे बात कर रहे हैं, उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, यही तो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। राहुल गांधी बोलते हैं हम भी गंगा में नहाते हैं, लेकिन हमको टीवी वाले नहीं दिखाते, बस मोदी जी को। वो गंगा में नहाते हैं, चुनाव में आते हैं, जनेऊ पहन के नहाते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के नहाते हैं, क्यों नहीं देखते? हम तो देखे, तभी तो बता रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के हमने उनको देखा था संगम नहाते हुए, हमने देखा था गंगा जी नहाते हुए, लेकिन चुनाव आता तभी वो गंगा नहाते, बाकी समय गंगा वो जानते ही नहीं गंगा क्या है, उनको पता नहीं गंगा का महत्व, उनको नहीं पता है। और हम तो कहेंगे कि वो नहा ले मोदी जी के साथ आके, तर जाएंगे उनका 3-4 पुष्ट तर जाएगा। इंदिरा गांधी के बाद कोई गंगा जी नहाया नहीं होगा, प्रियंका नहाई होंगी, अब चुनाव आ गया तो नहाएंगे तमाम ढकोसरा, ये कोई मतलब नहीं, प्रोपोगंडा है ये, प्रोपोगंडा। मैं भारतीय जनता पार्टी कर्म मंडल का अध्यक्ष हूँ धर्मेंद्र शर्मा, और हमारे योगी सरकार ने बहुत कुछ किया है, शौचालय से लेके गैस सिलेंडर से लेके आपका जो ये
आवास तो मिला ही है आपका, जो ये किसानों को जो मिलता है 2000 रुपये जो किसान सम्मान निधि, बताइए आप क्या चाहिए? हमारी बेटी बाहर जाती है पढ़ने के लिए, उसके लिए भी सुरक्षा है, वो जहाँ भी जाती हैं सुरक्षित आती हैं घर पे, इसके सिवा बताइए आप क्या चाहिए हम लोगों को? आप क्या कहेंगे, योगी सरकार जो है कैसा शासन है इसका? शासन तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अभी योगी से क्या अंतर है? तो उनसे उनमें तो जमीन आसमान का अंतर है, नाना प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त तो आदमी हो रहा है, बहु बेटियां तो अपने आप को सुरक्षित समझना शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं बाबा बैल बुलडोजर से मुक्ति चाहिए। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बाबा को बुलडोजर से मुक्ति चाहिए, बाबा बैल बुलडोजर से मुक्ति चाहिए। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में तो बनेगी बीजेपी की। काम तो अच्छा दिखाई दे रहा है, काम तो आंखों से दिखाई दे रहा है, चलने से भी दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे सर, योगी सरकार का कार्यकाल कैसा? सारा काम सही है। लड़कियों की जो एज बढ़ाई गई है शादी की, 18 से 21 कर दी गई, इसका भी विरोध हो रहा है? बहुत बढ़िया हुआ है, ये अच्छा हुआ है। पहले अशिक्षा थी, शिक्षा का स्तर नहीं था, तो ये होता था कि 18 साल पर लड़की क्या करे, लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी ये आप भी जानते हैं, नहीं तो हम बता दें, सुरक्षा नहीं थी। वो बाहर अगर पढ़ने दूर स्कूल पे जाती थी तो उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, खतरा था। आज जब हम पूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं उनकी सुरक्षा को लेके, तो हमने उनका उम्र सीमा बढ़ा दिया, लड़की मेच्योर हो जाएगी, कुछ करना चाहती है करे। सारी योजना तो लड़कियों को लेके है। पहली बार 70 साल में सरकार एक बात होती थी कि घर का जो भी प्रॉपर्टी है उसका मालिक पुरुष होता था, हर कुछ घर का मकान पुरुष के नाम से होता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है तो जनधन खाता खोलिए महिलाओं के नाम से। अब आप देखिए जितने भी प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, सबकी मुखिया सबकी मालिक महिलाएं हैं, उज्ज्वला योजना की मालिक महिलाएं हैं, सौभाग्य योजना, राशन कार्ड में फ्री राशन बट रहा है गरीबों को, कोरोना में पूरा पिछले साल बटा, इस बार भी बट रहा है। ये गरीब जनता जो बाहर काम करने गए थे उनको पूरा रोजगार यहाँ पे योगी जी ने मुहैया कराया घर पे। तो अब हमको लगता है कि इससे बेहतर सरकार, जो राम राज्य की कल्पना थी, अब हमको लगता है कि वो कल्पना हमारी साकार हो रही है। और हम ये चाहेंगे कि योगी जी बार बार यहाँ मुख्यमंत्री बने और मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बने और हमेशा रहे। प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कर रही हैं, तो क्या उसी के काउंटर में लाया गया है ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो इतने दिन तक उनकी सरकार रही देश में, उनको अगर करना होता तो बहुत दिन पहले कर दिए होते। अब वो हमको देख के वो कर रही हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ और कह नहीं रहा हूँ, ये सत्य है कि हमारी योजनाओं को या हमारी व्यवस्था को देख के, मोदी जी के कामों को देख के वो कह रही हैं, हमसे सीख रही हैं। अब अखिलेश परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा 5 साल पहले निकाला था देश में, जब परिवर्तन हुआ, आज वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम क्या कहें कि हमारी परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हैं जो हम 5 साल पहले निकाल चुके थे? जब इलेक्शन आता है तब उनका जो है कि आगे बढ़ने का काम होता है, जब इलेक्शन नहीं रहेगा तो न कहीं परिवर्तन यात्रा है, न कहीं गंगा स्नान है, न कहीं कुछ है। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ, गंगा का स्नान, परिवर्तन यात्रा, ये सारी बातें उन लोगों के सामने आती है। आप चोरी करोगे तो आप पकड़े जाओगे, ये सत्य है। आज जो है कि यदि जो है कि छापा मारा जा रहा है तो जो चोर है उसी के ना मारा जा रहा है, हमारे आपके यहाँ नहीं मारा जा रहा है। तो यही सब बातें हैं, जो सत्य रहे बोलेगा, सत्य कहेगा, उसके लिए सब जो है कि विपक्ष में हो जाएगा। इस समय जितने भी विपक्षी हैं सब बौखलाए हुए हैं, कैसे हम इनको धराशाही करें? लेकिन जो ऊपर उठा है, जिसके ऊपर डमरू वाले का हाथ है, वो कैसे जो है कि नीचे जाएगा? जहाँ बाबा भोलेनाथ सवार हैं उसको कोई टाल सकता है? जहाँ राम और लक्ष्मण की धनुष चलेगी वहाँ कोई जी बचेगा? यही बातें हैं मेरे भाई, और कुछ नहीं है। क्या अंतर है अखिलेश यादव की सरकार थी योगी जी की सरकार है, क्या अंतर है? दोनों में यही अंतर है, इनके में शांति है, उनके में अशांति थी। उनके में गुंडा राज्य था, इनके में शांति राज्य है। सब आज़ादी से कहीं भी रह सकता है, कहीं भी बोल सकता है, कहीं भी खा सकता है। उनके राज्य में ऐसा नहीं था, यही उनके और इनके में फर्क है। प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं,
वो तो गंगा का जो है कि पानी लेकर के कहती हैं कि ये तो बहुत गंदा पानी है। नाव में बैठ करके जो है यात्रा करने लगती हैं कि हाँ कहाँ गंदा का पानी है गंगा का। अरे बाढ़ आती है तो नदी नाले जो है कि बाहर से आते हैं पहाड़ी से, तो गंदा पानी लेके आते हैं लेकिन उसको बाद में जो है स्वच्छ होता है। जितना भी गंदा पानी हो गंगा जी का उसको घड़े में उठा के भर के रख दीजिए, देखिए एकदम साफ दिखाई देगा। धन्यवाद। इस प्रकार से है एकदम एक नंबर बोलिए एक नंबर एक नंबर पूछिए। बताइए अभी तक योगी सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया, बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ। बस युवाओं के लिए अभी क्या, इंडियन आर्मी की भर्ती अभी तक रुकी हुई है, कब आएगी कब नहीं आएगी, इसका कोई चर्चा हुआ अभी तक ये बताइए हमें। युवाओं को एक मिनट अभी युवाओं के लिए बोले थे कि पढ़ाई के लिए ऑनलाइन तरीके से लैपटॉप टैबलेट बांटने के लिए, कब बांटेंगे, चुनाव हो जाएगा उसके बाद कब बांटेंगे, उसके बाद बोले कि कॉलेज के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भराएंगे उसके बाद, फिर अभी लिंक आया है कि ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, लिंक की साइट नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा, कब होगा चुनाव होने के बाद कब होगा बताइए। काम तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हाँ अब जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें तो रोक लगा ही दिए हैं। अब अखिलेश कहते हैं कि नहीं फिर से वापस जो है कि बनवाएंगे, जिसको ढहा रहे हैं इसको बनवाएंगे, तो आप गुंडा साथ देंगे, गुंडागर्दी खुलेआम होगी, पहले भी होता था अभी भी होगा। अब तो इसके नहीं कि दबे हुए लोग उसको उभारना चाहते हैं वो। युवाओं को क्या, वो भी कुछ नहीं दिए, इनके में बहुत कुछ मिल रहा है, धीरे धीरे लाभ मिले, कोई भी चीज़ मिला है युवाओं को, बहुत कुछ मिला है, मिलेगा मिलेगा, ऐसा नहीं है। दो महीना चुनाव, अरे आपको ये बैठा दिया जाए, कब है कीजिए, तो देश को लोग खोखला करके बैठाए हैं। अच्छा देश को लोग खोखला करके रखे हैं, कोई भी आदमी अगर जब बैठा हो कुछ भी तो धीरे धीरे कोई विकास होगा, हर आदमी को आपका साहस सस्ती रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा एक बैग सबको मिलेगा, थोड़ा तो लाभ सबको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं तुरंत कोई चीज मिल जाए, और सहन सस्ती रखेंगे, साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, विकास सबका होगा, थोड़ा समय लगता है धीरे धीरे कोई काम होता है, और मोदी योगी सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उसके साथ सबको सब श्री राम जी का मंदिर का जो निर्माण होगा ये बहुत बड़ी चीज है, वो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदुओं का शान ऊंचा है, इसमें कोई वो नहीं है, सबका भर्तियां निकली और कुछ नहीं चाहिए, जो काम हुआ वो सबसे हुआ, जो कि जो अंध का भी है शुरू का भी है, शुरू का भी, शुरू में भी राम बोलते, जो पैदा हो तो भी राम है और अंत है तो भी राम है, निकल नहीं रही, राम के बिना कोई नाम ही नहीं है, जो चीज दब गया था आरक्षण के सहारे। इसे पूछिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हमको हिस्सा देंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप ये सारी चीजें बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, उसमें आरक्षण कहाँ मिलेगा, ये आरक्षण खत्म हो रहा है, हमको क्या निजीकरण बेटा है, चौपन चुनाव गया, यहाँ पे क्या मिला है, लोग यहाँ पे खोखला कर बैठे, मायावती आई, मायावती यहाँ पे जो है पूरा अरौरा का मधुपुर का जो पूरा जो पत्थर उठा कर चल गई, लखनऊ से जाई है, सुनवा के लिए क्या की है मायावती, कुछ नहीं किया मुलायम सिंह, कुछ नहीं किया, मार का कुछ भी नहीं किया, 18 घंटे बिजली, भैया क्या सपा की सरकार थी, और जो चुनार डाला जिसके पास 15 साल पहले 5 लाख की क्षमता था, आज में जो है करोड़ों के लोग कमी खेल रहे हैं, कहाँ से पाए, यहाँ तो यहाँ जो काम बड़े बड़े खनन लोग मारा माफिया लोग, सोनभद्र में भी ऐसे जांच होना चाहिए, सोनभद्र में भी लोग ऐसे पकड़ाएंगे जो माफिया लोग हैं, अवैध है, अवैध हो रहा है, अभी भी चला है, अब उसके लिए अब होगा अब शुरू हो गया है अब यहाँ भी होगा, ग्रामीण इलाकों में चल रही है, खनन है, बालू यहाँ सब चीज अवैध, ये सब गिट्टी बालू हर चीज सीधे लूटपाट है यहाँ, सीधे एकदम हाई आसमान हो रहा है, सब चीज हाई आसमान इनकी सरकार में, पूछिए जब नहीं, जब लैपटॉप और मोबाइल के फॉर्म भरा रहा था आप भरे थे उस बार, भरे हैं अभी दो महीने पहले, एक मिनट बोले थे लैपटॉप टैबलेट मिलेगा, फिर अभी बोले हैं फिलहाल एक नहीं पाठ, एक मिनट पाठ है सामग्री मिलेगी, पाठ से कॉपी किताब देंगे, कब देंगे वो भी तो पेंशन समाज और पैसे बोले थे, अब ये अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय चलता था, उस समय बच्चों को वजीफा मिलता था,
उसमें बच्चों को जिसमें मिला था समाजवादी पे, जब ये समाजवादी पेंशन चालू किए, जब पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय समाजवादी पेंशन चालू हुआ था, जैसे उसमें मिला था जब बच्चों को जीफा स्कूल में, स्कूल मिला था उसको जीफा, जो अखिलेश यादव हुए तो उसको जो है बंद करके फंड को उस पर समाज पेंशन चालू कर दिए, हम समाज पेंशन दे रहे, समाज कहाँ से चला, फंड का पैसा क्यों बंद किए, बच्चों जी बच्चों को जीफा क्यों बंद किए, उस समय मिला तो क्यों बंद किए, आप क्या समझे, आराम से बात कीजिए, आप क्यों बंद कराए, हमारी बात बंद नहीं होती ना, एक एक करके बोलिए, पेंशन मिलता था बच्चों को, हम लोग जब पढ़ते थे अटल बिहारी वाजपेयी थे उसमें चालू लागू किए थे, आगे समाजवादी जब समाजवादी समाज आया तो इसमें जो है कि पेंशन को बंद कर दिया गया, उसको समाजवादी पेंशन चालू कर दिया गया, उसमें जब मिलता था जीफा, वो जीफा क्यों बंद करा गया, बच्चों जीफा मिलता था, यहाँ तो अपना एक वोटिंग बैंक बनाने के लिए समाजवादी पेंशन है, आज अपने घर से देते हो तो अपने घर से दे, आज दे अपने घर से, उसको देना क्यों बंद कर दिए, क्यों नहीं दे रहे, क्यों बंद किए, कितना खाते में पैसा आया बच्चों, स्कूल के बच्चों से आके पूछा कितना पैसा आया, मिलता था ना आप लोग चालू, अरे इनके सरकार में बंद हुआ है, इनके सरकार में बंद हुआ है, सपा सपा ने बंद किया है, सपा ने बंद किया है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ सपा के राज में हुआ है, अब कांग्रेस और बहुजन के राज में हुआ है, आप भी एक मिनट सुनिए, अभी सपा या बहुजन कांग्रेस के राज में जो कोरोना आएगा, दो महीने बाद फिर कोरोना आएगा, फिर लगाएंगे, फिर सिर्फ विपक्षियों के लिए कोरोना लगाएंगे, अपने लिए नहीं, बंगाल में चुनाव किए गए वहाँ पार्टी किए तो 10 लाख लोगों को इकट्ठा किए और गरीब लोगों के लिए बोले बताए कोरोना है, कोरोना सब चीज है, बंगाल में तो सभी पार्टियां रैली करती है ना, एक पार्टी तो करती नहीं है ना, दूसरा जा रहा बंद करवा देना दूसरे को, इतना देखिए एक गुंडों की पार्टी है, एक गुंडों की भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, बसपा क्या है, बसपा की बात नहीं, भाजपा की बात है, अभी एक साल पहले मोदी जी और योगी जी ने वादा किया था कि ग्राम प्रधानों की संपत्ति की जांच हो लेगी तब ग्राम प्रधानों के यूपी में चुनाव होगी, लेकिन ये कब जांच होगा, ग्राम प्रधानों के चुनाव हो गई, इस वादा को मोदी और योगी ने किया था, मेरे पास पेपर का कटिंग है, नहीं आए चाहिए नहीं आए, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो है कि गुंडा है, तो हम भी इनसे राम राजा है भगवान नारायण, मैं भी जय श्री राम, ये बताएं कि इनकी पार्टी जय श्री राम, हम लोग की पार्टी जय श्री राम, 25 किलो राशन मिला है नहीं मिला है, मिला है ना, एक हजार महीना ले लीजिए, 500 रुपए का महीने में सामान दीजिए, 500 किसका जा रहा है, पेट्रोल डीजल सब चीज महंगा करके 200 रुपए का हमें सामान दे दीजिए, भैया आप एक मिनट महंगा करके 100 रुपए का हमें सामान दे दीजिए, बहुत महंगा है, अगर आपका जिंदगी सुधार दे, जिस गांव में एक मोटरसाइकिल थी उस गांव में 100 मोटरसाइकिल है, 100 मोटरसाइकिल है, एक गांव में एक मोटरसाइकिल, उसको कहाँ जाए, पैदल चलो चलो पैदल, कोई महंगाई कोई महंगाई है, नो महंगाई कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई कोई महंगाई नहीं है, जनता खुश है, 7 वर्षों में हम 7 घर बनाए हैं, 7 बिल्डिंग बनाए हैं, नौकरी करके बनाए हैं, अपने पास बनाए हैं, समझे, बेमारियों के लिए चोरों के लिए महंगाई है, चोरों के लिए बेमारी, कोई बेमारी बनी कोई महंगाई है, कोई महंगाई है, महंगाई कोई महंगाई नहीं है, कोई भूल नहीं महंगाई, कब महंगाई, मैं साइकिल से चलते हैं, साइकिल से पैदल चलो, पैदल चलो, पैदल चलो, कोई महंगाई नहीं है, सारा जब सब 200 रुपये सिलेंडर था, जब सुनिए सुनो जब सुनो सुनो जब 200 रुपये सिलेंडर था, सिलेंडर मिलता नहीं था, अब ये खैर सुना घर पर सिलेंडर पहुँचता है तो 100 रुपया हो जाए, अब मिलवा नहीं करेगा, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, सर गुंडे बहुवाली भोसड़ी वाले जेल में है, जेल में है आजकल, है सब जेल में है आजकल, देख रहे हैं ना, गुंडे बहुवाली सर माफिया जेल में है, देख रहे हैं ना, किसकी शक्ति थी, बहुत मजबूती हुआ शक्ति थी, हिम्मत थी किसी में, किसी में हिम्मत थी, हिम्मत थी किसी में, सबको जेल में ठेल दिया, गुलबल से सड़वा दिया, अगले साल तो बोल रहे हैं कि बाबा बैल बुलडोजर से मुक्का बोलेगा, वो क्या बोलेगा, चोर है, क्या बोलेगा बताइए, भाजपा में सबका राज है, सब लोग विकास कर रहे हैं, पहले इतना आवास जो मिला है, इतना बाथरूम मिला है, पशुओं को रहने के लिए जो मिला है, आज तक किसी सरकार में इतना नहीं मिला है, सबका साथ सबका विकास है, कोई महंगाई नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जोगी चला राज रहेगा, सफाई महोत्सव बनाने वाले आज हमारे यहाँ धर्म के नाम पे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो उनको तकलीफ हो रही है,
हमारे यहाँ परिवार की राजनीति नहीं चलती है, यहाँ सबका साथ सबका विकास दिया जाता है। मैं इस राज्य का युवा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। परेशान वो है जो चोरी करते थे, चोरी करते थे। एक मिनट, आप इतिहास उठा के देखिए 2017 के पहले का सफाई मौसम में माननीय मुलायम सिंह यादव का कितना अच्छे से बनता था वो जन्मदिन। क्यों भाई 17 के बाद क्यों नहीं मना, क्यों डांसर नहीं आई? सरकार के पैसे से बाप का जन्मदिन मनवाना और सरकार से पैसे से गरीब की जनता काम करना, ये योगी करता है और अखिलेश यादव करते हैं। सरकार के पैसा से अपने बाप का जन्मदिन मनवाते थे। तकलीफ चोरों को हो रही सरकार से, हमें नहीं हो रही है क्योंकि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। बोलिए जय श्री राम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है उस पर तो विपक्षी बोल रहे हैं कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, विपक्षी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्षी के पास कोई मुद्दा ही नहीं हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है उन्हें। वो विपक्ष हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाते आए हैं। आज उनको तकलीफ हुआ, आज कोई हमारे प्रदेश के मुसलमान कह दे कि उनको कोई तकलीफ है, मुसलमान भाइयों को भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ इनको है सपाइयों को, नेता को जो चमचागिरी किए हैं, कोई मुसलमान को तकलीफ नहीं है। जय श्री राम। जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि जो भी हम किए थे योगी जी बस फीता काटे हैं। वो अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव तो जब हमारे देश 1947 में आजाद हुआ था तो उसमें साइन भी किए होंगे वो। और तो जिस धरती पर हम रह रहे ना, वो धरती वही बना है, ब्रह्मा जी के लिए ले लिया है। ऐसा नहीं है, ये क्या है? कैसे महंगाई बढ़ गई है? महंगाई कैसे बढ़ गई है? नहीं नहीं, कुछ महंगाई नहीं बढ़ी है। कोरोना काल के चलते हम ही नहीं, पूरा विश्व परेशान था कोरोना काल के चलते। आज कोरोना काल के चलते सब कोई परेशान था, उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, हम तो कहते नहीं बढ़ी है, एकदम नहीं बढ़ी है। अच्छा, नाम बदलने पे क्या कहेंगे योगी जी? जो नाम बदले एकदम सही है सर। सुनिए, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ और दूंगा भी, लेकिन यहाँ के जो विधायक है, चार बार मैं बोला कि गली में आप खंभे और लाइट लगवा दीजिए, इग्नोर मारते हैं, बोलते हैं बिजली विभाग पास जाइए। योगी के वजह से हमें वोट देना पड़ता है, वरना यहाँ के विधायक निकम्मा है 1% का। सुनिए, एक मिनट, मजबूरी है। यो अगर भूपेश इस बार भी खड़े होंगे तो मजबूरी में देंगे उन्हीं को वोट, लेकिन वो निकम्मा है। रोड बताइए कल परसों क्यों बनी यहाँ की? पहले नहीं बन सकती थी? यहाँ का छोड़ा कहीं भी जाइए, हर जगह रोड बनी आपको दिखेगी, लेकिन सिर्फ यहीं की रोड अभी क्यों बनी है? योगी जी आ रहे इसलिए, क्योंकि डंडा हुआ फट से बन गया, यही दिक्कत है। देंगे योगी को वोट, लेकिन ये गलत चीज है। यहाँ का जो विधायक है निकम्मा है, कुछ काम नहीं किया है। लड़के हैं जोश में रहते हैं उनके साथ ठीक है, लेकिन विधायक सही नहीं है यहाँ का कोई का। और पकौड़ी लाल कोल कहाँ दिखते हैं? कभी नहीं दिखे हमारे यहाँ, बस उनकी मजबूरी। वो सुनिए, बदले जाएंगे, आप लिख के ले लीजिए, भूपेश सर इस बार नहीं आ रहे हैं, इस बार उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, भले कुछ भी हो जाए। बाकी हम योगी को सपोर्ट करते, बीजेपी को वोट देते और देते आएंगे, बस ये बात है। और भर्ती बारे में बताइए, क्योंकि इसलिए सपोर्ट करते हैं वो खुले। देखिए सीधी बात है, शिक्षा रोजगार, कभी भी कोई भी सरकार नहीं बोलती कि आप उन्हें नौकरी हम देंगे, बोलती है रोजगार देंगे। रोजगार वो पकौड़ों का भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का रोजगार कभी नहीं हो सकता। और रही बात सपा की, सपा ठीक है आए, लेकिन उसको हम नहीं बुलाएंगे, इसलिए नहीं बुलाएंगे क्योंकि योगी जो है वो खुल के बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, उनकी तरह नहीं। मुसलमान ठीक है, योगी ने भी कम नहीं किया हिंदुओं का, मुसलमानों को इग्नोर मारा है मैं मानता हूँ, लेकिन जो सही है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कई जगह गलत किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती क्या हुआ? योगी जी ने अभी बोला, अब नहीं नहीं एक बार सुनिए, पेपर लीक हुआ। मैं टेट का पेपर देने गया था, मेरे भी आंखों में आंसू आया, लेकिन टेट अगर लीक होता है तो ना वो अखिलेश कराते ना वो योगी कराते, उनके नीचे के लोग कराते हैं ये चीज। की जा रही होता है, हर भर्ती में हुआ है भैया, हर भर्ती में शिक्षक। आज मैं पूछता हूँ राज्य सरकार से, यहाँ 2017 बैच के यूपीएसआई
2017 बैच के यूपीएसआई के बच्चे एक साल से ट्रेनिंग करके घर पे बैठे हुए, क्या सरकार सो रही है क्या? वो बेचारे 1700 बच्चों को नहीं कर, एक साल बताइए ट्रेनिंग कराई उनको, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी, घर पे बैठे हुए अपनी नौकरी छोड़ के उनको ना दे के आज यूपीएसआई। मैं फिर भी मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, लेकिन मैं उसकी कमियां बता रहा हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी का घोटाला हुआ, वाला कथा है नाम बदलने को लेके, तो जो भी विदेशी आक्रांत आए हैं हमारी देश में, उन लोग नाम बदल के गई तो उसका सुधार जरूरी है। हमारी पहचान हनुमान से है, हुमायूं से नहीं है, तो उसका नाम इसलिए बदला गया है। जो भी विदेशी आक्रांत यहाँ पे करके गई है उसको निसंदेह बदलना चाहिए यहाँ पे, बस इसी के लिए योगी जी जो भी नाम बदल रहे हैं वो एकदम। अखिलेश यादव तो बोले कि हम आएंगे तो दोबारा, अखिलेश तो एक पच्ची राजनीति करते ही है, आएंगे ही नहीं आएंगे। उनका ऐसा जो एक बजना रामराज का झलावा बस है उन लोग का, उन लोग हमेशा एक तरफा की राजनीति कर, सेवकों के ऊपर गोली चलवा गई, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए बताइए। योगी सरकार पे जो जातिवाद का आरोप लग रहा है, आरोप लगाना उनका काम है तो वो लगाएंगे झूठे आरोप, उस पर कोई नहीं होता, उनके पास कुछ है ही नहीं होगा वो आरोप लगाना। नहीं, जब उनके पास कुछ रहने गया तो वो आरोप भी लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर गया।